पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ नरसा के तत्वाधान में अधिकारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए 3 दिवसीय चौथे वार्षिक खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम एवं गोल्फ कोर्स में किया गया, जिसका शुभारंभ 19 मार्च को महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे विनय कुमार त्रिपाठी तथा अध्यक्ष पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन मीना त्रिपाठी द्वारा मशाल जलाकर तथा शांति का प्रतीक कबूतर एवं गुब्बारा उड़ाकर किया गया। इस अवसर पर अपर महाप्रबंधक श्री अमित कुमार अग्रवाल, प्रमुख विभागाध्यक्ष वाराणसी इज्जत नगर एवं लखनऊ मंडल के मंडल रेल प्रबंधक महिला कल्याण संगठन की सदस्याएं सम्मिलित हुई। कार्यक्रम में विभिन्न खेल कूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कुल 5 टीमें बनाई गई। कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताएं राउंड रॉबिन नॉकआउट आधार पर खेली गईं। प्रतियोगिता के शुभारंभ के अवसर पर नरसा अध्यक्ष योगेश मोहन ने महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी, अध्यक्ष पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन मीना त्रिपाठी एवं अपर महाप्रबंधक अमित कुमार अग्रवाल एवं अन्य प्रतिभागियों का स्वागत किया तथा कार्यक्रम का संचालन पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने कहा, पहले का निर्णय लिया है, बहुत अच्छी गेंद और गेंद को ड्राइव, बहुत अच्छी गेंद, बहुत पहला ओवर चल रहा है, फिर से अच्छी गेंद, फिर से उसी तरह की शॉट और फिर से निकल, बहुत अच्छी गेंद लेकिन और ये अच्छी शॉट, बहुत ही करारी शॉट, बेहतरीन शॉट और इस बार सर ये मैच किन किन टीमों के बीच खेला जा रहा है? मैच इज्जत नगर और वाराणसी डिवीजन के टीम के बीच में खेला जा रहा है। सर मैच का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैच का मुख्य उद्देश्य है आपस में डिवीजन में हेडक्वार्टर में सब अफसरों के बीच में फ्रेटरनिटी डेवलप करना, सबकी हेल्थ को इम्प्रूव करना, सबको हेल्थ कॉन्शियस। ग्रीन बोर्ड, बहुत अच्छी गेंद, कुछ कहना चाहेंगे सर? बहुत अच्छी गेंद, कुछ समझ में नहीं आया। इससे मेन इशू है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी से आदमी की स्पोर्ट्स स्पिरिट बढ़ती है, एक दूसरे को हेल्प करने की क्षमता बढ़ती है और हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ती है। इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए।